तेरा हर दिन मेरे इस चैनल पर यूं आना, अपने लाइक्स देना और अपने कमेंट्स छोड़ के जाना। जारी रखना ये सिलसिला जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। I was just trying to copy शाहरुख खान, yeah. Hi, मेरा नाम है नितिन, you're watching Bollywood Hangover, your favorite YouTube channel. और यहाँ पे आ गया हूँ मैं एक बार वापस से। इस दिन का बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार था, because we are gonna review the movie जब तक है जान for you. आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे फिल्म की कहानी की। समर नाम का एक आदमी जो कि लंदन में रहा करता है, उसे होता है एक लड़की से प्यार, लेकिन इस प्यार में आ जाती है थोड़ी बहुत दरार, हाँ कुछ ऐसे ही, एंड उसकी कहानी वहीं पे चौपट हो जाती है। देन ही कम्स टू इंडिया और यहाँ आर्मी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ मुलाकात होती है कटरीना के बाद एक और बहुत ही खूबसूरत लड़की से, मीरा से। उसका प्यार अपने यंग दिनों में पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन क्या अकीरा के प्यार में वो पड़ जाएगा और उसके बाद उसके साथ घर बसाएगा? दैट्स द बिग सवाल। बात करें यहाँ पे डायरेक्शन की, तो यश चोपड़ा साहब, मतलब आई थिंक कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता उनके डायरेक्शन पे। 8 साल बाद आफ्टर वीर ज़ारा उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट करी है, एंड ही इज डन अ फैंटेबुलस जॉब। मतलब जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्यूटीफुल लोकेशंस, बहुत बहुत सही कैमरा एंगल्स, एवरीथिंग इज देयर। यू नो, इस फिल्म में एक्टिंग की बात की जाए, शाहरुख खान आफ्टर रावण एंड डॉन 2, ही इज डन फुल ऑन जस्टिस टू हिज रोल। मतलब एज समर ही इज आउटस्टैंडिंग। एंड लंदन में जब वो एक म्यूजिशियन है, एकदम यंग दिख रहे हैं, एंड उसके बाद जब वो इंडिया आते हैं एक रगड आर्मी ऑफिसर के रूप में। टॉकिंग अबाउट कटरीना कैफ, शुरू में इनको जैसे यश चोपड़ा की फिल्म में होता है, बस एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। रिमेंबर दिल तो पागल है की माया, हाँ? कुछ वैसे ही होना था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ ज्यादा किया, उससे कुछ ज्यादा है इनका रोल, एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। उनकी केमिस्ट्री विद शाहरुख खान इज माइंड ब्लोइंग। अनुष्का शर्मा इज दैट बबली डॉक्यूमेंट्री मेकर, या शी वर्क्स फॉर डिस्कवरी चैनल इन दिस मूवी, शी इज ऑल्सो गुड। तो ऑल इन ऑल जो कास्टिंग है, दैट्स माइंड ब्लोइंग। या इस फिल्म के प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए, अच्छाई ये है कि एक लव स्टोरी जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं और जिससे कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर सकते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। खराबी यूँ तो नहीं कह सकते कुछ है, लेकिन हाँ, हर चीज़ में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। तो इस फिल्म में एक पॉइंट पे आपको ये लग सकता है, क्या यार ऐसी कहानियाँ तो हमने बहुत देखी हैं, मतलब व्हाट्स द बिग डील अबाउट दिस मूवी। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, A.R. रहमान, गुलजार साहब एंड यश चोपड़ा जी का ये जो कॉम्बिनेशन है, उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा छल्ला सूट नहीं कर रहा है, मतलब इट डजंट गो वेल विथ हिज पर्सनालिटी, बट व्हेन यू वॉच दिस सॉन्ग इन द मूवी यू गोना लव इट। इसके अलावा द अदर ट्रैक जो कि बहुत करीब है लोगों के, दैट इज सांस, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इस सब के बाद, जस्ट टू सम अप द थिंग, यहाँ पे इस फिल्म जब तक है जान को हम बॉलीवुड हैंगओवर की ओर से देंगे पूरे 1, 2, 3। और शाहरुख भाई ने ये जो कमाल किया इस नए कैरेक्टर में, एकदम ढल गए हैं आफ्टर डॉन 2 एंड रावण, तो 3.5 stars। That's all we have for you. आपको कैसी लगी ये मूवी, यहाँ लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन पे, and also don't forget to subscribe to the channel and also like the video, because हमने भी बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मी नितिन साइनिंग आउट।